हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि अक्सर हमारे घर में होती हैं। अक्सर आपने अपने बड़ों से इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाखून काटने के बारे में और दाढ़ी बनाने के बारे में। अक्सर हम जब लोगों को सेविंग करनी होती है, नाखून काटने होते हैं, तो हम पर्टिकुलर एक डे चुनते हैं कि हमें इस डे में नेल कट करने हैं। जैसे हमें संडे, मंडे या हम वेनसडे को नेल कट कर सकते हैं, फ्राइडे को नेल कट सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं, बट ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को बहुत ही विचार मानते हैं कि इन दिनों में दाढ़ी या फिर नेल कट नहीं करनी चाहिए। या फिर कभी कभी कहते हैं कि रात के समय दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, नेल नहीं कट करनी चाहिए। ऐसा क्या है कि इन हम जो हमारे बड़े हैं, हम लोगों को क्यों मना करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? क्या रीज़न है इसके बारे में? क्या कोई साइंटिफिक लॉजिक है या फिर ऐसे ही लोग हैं इनके बारे में बताते आती है? तो मैं आपको डे के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि किस दिन नेल कटने से क्या होता है और क्या शुभ अशुभ चीज़ें होती हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपसे विनती है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म में नाखून काटने और दाढ़ी बनाने के लिए खास दिन होते हैं। अधिकांश लोग मंगलवार और गुरुवार के दिन नाखून या दाढ़ी नहीं काटते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्य होगा कि सप्ताह के अलग अलग दिनों पर नाखून काटने के भी फायदे होते हैं। जहाँ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हर दिन में नाखून काटने या दाढ़ी बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे फर्स्ट डे होता है वीक का, वो है मंडे। और मंडे को नेल कट करने से क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, वो सारी ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन मन से जुड़ा हुआ रहता है, मन से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप सोमवार के दिन नेल कट करते हैं तो आपका फिजिकली तौर पर जो आपका फिजिकल है, वो आपका क्या रहेगा, एकदम हेल्दी रहेगा। जो आपकी फिजिक है वो हेल्थ रहेगी और किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। आपका मूड, आपका जो भी मन है, किसी भी कार्य में जो भी आप मन लगाओगे, वो एकदम तरोताज़ा उसमें बना रहेगा। कहने का मतलब है, सोमवार वाले दिन नेल कट करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। उससे हमारे कोई भी हेल्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं मंगलवार वाले दिन। जी हाँ, ट्यूसडे वाले दिन यदि आप नेल कट करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ट्यूसडे को नेल कट करने से कर्ज की समस्या दूर होती है। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो उस कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। हालांकि हमारे बड़े हमसे मना करते हैं कि मंगलवार दिन नेल्स नहीं कट करने चाहिए, बट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप ट्यूसडे को नेल कट करते हैं तो कोई भी आपके ऊपर कर्ज है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बुधवार। बुधवार को यदि आप नेल कट करते हैं तो बुधवार का दिन हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वेडनेसडे को नेल कट करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए वृद्धि का दिन माना जाता है। इसी दिन कोई व्यक्ति अपना नाखून काटे तो वे नौकरी में तरक्की करने के साथ साथ धन की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए बुधवार का दिन भी अच्छा माना जाता है। अब बात करेंगे हम गुरुवार का दिन। जी हाँ, गुरुवार का दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन नाखून काटने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। आप इस दिन अगर नाखून काटते हैं तो घर की प्रतिकूल और अशुभ घटनाएं दूर हो जाती हैं। आपका मन हमेशा गुरु की पूजा में लगा रहता है। तो इस तरह से आप गुरुवार वाले दिन नेल कट करते हैं तो आपके व्यापार, आपकी नौकरी पेशा में बहुत वृद्धि होती है। लेकिन हमारे बड़े हमसे मना करते हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल अलग हैं। ज्योतिष शास्त्र कुछ अलग कहता है, बड़े लोग कुछ अलग कहते हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो कि हमारे शास्त्र हमसे कहती हैं। अब बात करते हैं हम शुक्रवार वाले दिन की। जी हाँ, शुक्रवार वाले दिन यदि आप नाखून काटते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन नाखून काटने से आप गरीब दोस्त या परिवार से मिलने के लिए बहुत इच्छुक रहती हैं, और उनसे यदि आप मिलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे मिल पाते हैं। अब बात हम करेंगे शनिवार वाले दिन। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन नाखून काटना बिल्कुल मना किया जाता है। यदि इस दिन आप नाखून काटें तो आपके ऊपर जो बुरी बलाएं होती हैं वो हावी होती हैं। आपका जो मानसिक है, वो जो मान आपका मन है, वहाँ पर बुरे विकार आते हैं और मानसिक रूप से आप असंतुलन
रहते हैं, तो इस तरीके से आप शनिवार वाले दिन नाखून या दाढ़ी बिल्कुल भूल कर भी ना बनाएं। शनिवार वाले दिन यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो शनि देवता आपसे रुष्ट होते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी कार्य में कार्य को करने के लिए मन बना रहे होते हैं वो कार्य भी सफल नहीं होता है। तो इसलिए भूल कर भी आपको शनिवार वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। अब बात करते हैं हम रविवार के दिन की। देखिए रविवार वाले दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि का दिन नाखून काटने के लिए एकदम शुभ माना जाता है। यदि आप रविवार वाले दिन नाखून काटते हैं क्योंकि वो एकदम फ्री डे होता है, उस दिन हम अपने सारे कार्य को कर रहे होते हैं, पेंडिंग वर्क को कर रहे होते हैं, तो उस दिन अगर आप नेल्स कट करते हैं तो किसी भी प्रकार का आर्थिक या मानसिक व्यथा नहीं आती है, बल्कि हमारे सारे कार्य अच्छे बने रहते हैं। तो इस दिन यदि आप नेल कट करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या व्यथा नहीं आती है। तो प्यारे मित्रों ये था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किस दिन नेल कट करने से क्या होता है। देखिए मेरा मानना यही है कि सारे दिन भगवान के बनाए हुए होते हैं, अच्छे मन से हम सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ शास्त्रों में जो चीज़ें हम बताई गई हैं वो एकदम सत्य बताई गई हैं, उनके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी व्यथाएँ नहीं आती हैं। तो इस तरह से हमें जो हमारे अच्छे कार्य हैं या बुरे कार्य हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए। मंगलवार गुरुवार और शनिवार को अगर हम नेल कट कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से ही उनको कट करना चाहिए और कोशिश करें कि आप दिन के समय नेल कट करें तो उससे आपके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।